हर कोई चाहता है कि मेरे घर में एक मनी प्लांट होनी चाहिए और वो हरी भरी और ग्रो करने वाली होनी चाहिए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि मनी प्लांट या तो सूख जाती है या फिर उसके पत्ते पीले होते हैं। लेकिन ये देखिए मेरी मनी प्लांट कितनी हरी भरी और कितनी ग्रो है, और एक गमले में नहीं, कई गमलों में लगी हुई है। और मैंने ये जो इतनी ग्रो करी है, ये सिर्फ अपने घर की किचन में जो हमारे सामान मिलता है उसको डाल के इसको ग्रो करा है। ये बहुत ही सरल तरीके से और सिंपल तरीके से हम अपनी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। आप भी अपनी मनी प्लांट को इसी तरह से ग्रो करिए, बहुत ही जल्दी आपकी मनी प्लांट ग्रो होगी और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और ज़्यादा झंझट भी नहीं है। सिंपल तरीके से ये जो चीज़ है, ये है इस बोतल में, ये जादुई चीज़ जो है मैंने इस बोतल में डाल रखी है। आप भी इसी तरह से एक जो मनी प्लांट है वो अपनी किचन में जरूर रखनी चाहिए और इस बोतल में वो चीज़ डाल के और अपनी मनी प्लांट को डाल के देखिए। ये मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी और देखिए मेरी मनी प्लांट कितनी ग्रो की है, कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। इसी तरह से आप भी अपने किचन में ये बोतल में डाली हुई चीज़ इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए आपकी मनी प्लांट भी इसी तरह से ग्रो करेगी बहुत ही जल्दी। और देखिए कितनी लंबी मनी प्लांट है ये, और बहुत बढ़िया मनी प्लांट बन जा लग जाती है। ये देखिए कितनी बड़ी है। आप भी इसी तरह से अपनी मनी प्लांट को किचन में लगाइए और किचन की शोभा बढ़ाइए। मैंने भी अपनी मनी प्लांट को इसी तरह से इस्तेमाल किया है। इसके लिए हमें जो चीज़ चाहिए वो है कच्चा दूध। ये उबला हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उबल के इसके सारे पोषक तत्व ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हमें सिर्फ आधा गिलास कच्चा दूध यूज़ करना है। इसे हमें हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने मनी प्लांट में डालना चाहिए। ये देखिए, इसको चाहे तो हम मनी प्लांट को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं अपनी मनी प्लांट को, चाहे हम बोतल में भी डाल के रख सकते हैं। और हमारी मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगी और बहुत जल्द हरी भरी रहेगी और पीली भी नहीं होगी। और ये देखिए बाकी जो मनी वो है दूध, इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने घर में डालें। यकीन मानिए आपके मनी प्लांट बहुत जल्दी ग्रो करेगी। और जो ये बोतल की मनी प्लांट है, इसको हमें अपने किचन में इसी तरह से बोतल में कच्चा दूध डाल के उसको बाकी में पानी डाल के अपने किचन में रखिए। इसको अपने किचन के अग्निकोण में लगाइए और बहुत ही अच्छी भी लगेगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लगाई है। इसी तरह से आप भी अपनी मनी प्लांट को किचन के अग्निकोण में लगाइए और अपने घर में धन के वर्षा कीजिए। यकीन मानिए एक बार ये उपाय करके देखिए, आपके घर में अगर धन की कमी होगी तो मुझे बताइए। देखिए कितनी अच्छी है। इसी तरह से मनी प्लांट में को कभी भी धूप में नहीं रखना चाहिए, छाँव में रखें, और क्योंकि धूप में ना उसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा, हमें हमेशा देसी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, जो गाय का गोबर होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जब भी हम मनी प्लांट लगाएं तो उसमें मिट्टी में देसी खाद का इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये देखें मेरी मनी प्लांट ये टहनियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं। आप भी इसी तरह से अपनी मनी प्लांट